जजाति मुख्य शासन सचिव प्रेसमिट रही आम शुणुले से स्थानीय बासीदा को निश्चित भाव कृतज्ञता जनईपटे मृतदेह एवं चिन्ह प्रक्रिया जारी रही हस्तांतर प्रक्रिया जारी रही देखो 275 मृतक भितर 170 मृत शरीर तक संपर्क आत्मीय स्वजन को हस्तांतर हो सारा प्रक्रिया चली चिन्हट हो सारा बाकी 105 चिन्हट अपेक्षा कर सरकार शेष मुहूर्त पर्यंत अपेक्षा करे कहार परिवार लोके आसबे तापर से निष्पत्ति ने जो कथा आप विजय लक्ष्मी कहते स्थानीय लोक होती मैन ऑफ द मैच मैचर हिरो से कारण जो गोल्डन आवर कथा कह इंजोर्ड परे तत्क्षणात तक मेडिकल ले पहुंचेबा अंधार राति रे कोनोसे बिना साधन ने सेतिपई सेमान को राज्य सरकार को तरफ कृतज्ञता जणैचंदी मुख्य शासन सचिव बाकी कथा रहिला जो माने वर्तमान हेल्पलाइन नंबर जारी करा जायची एम्स सम किम्स एवं जो जो हॉस्पिटल रे अछि डेड बॉडी गुडी को सेमान को रबा आनिबा पई राज्य सरकार समस्त खर्च वहन करचंदी काली थारु घोषणा करथिले आज मध्ये आउथरे दोहरैचंदी राज्य सरकार को मुख्य शासन सचिव आज आपण सुनुथले एसआरसी मध्ये थिले शिल्प सचिव थिले जे सेठिकार ग्राउंड जीरो रे स्थिति को परखुथिले एवं डिजास्टर मुकाबला बा विपर्जय मुकाबला पे राज्य सरकार को जो गोटे सब प्रस्तुति थाए बात्या बन्या आसु ये प्रस्तुति आज काम देला सबू जगार ठीक ठीक समय जिनस आपण जेनरेटर कथा कहतु ओआरएस पाउडर कथा कहतु पानी कथा कहतु खाद्य कथा कहतु ये आंबुलांस कथा कहतु ये सब ठीक समय पहुँची पार्ला बोली रोगी को उत्तम चिकित्सा मिल पार्ला हेमंत शर्मा कहते नो रेस्पन्स टाइम रे रोगी टी हस्पिटाल पहुँचु पहुँचु इमिडियट तार सर्जरी ट्रीटमेंट आरंभ हो कौटी विलंब कर डिजास्टर प्रिपेयरनेस ओडिशा सरकार मुख्य शासन सचिव कहते ओडिशा बोली 5000 लोक थे टोटाल 2 ट्रेन जो मैंने दुर्घटना होती आशा करते बड़ दुर्घटना 1000-1200 लोकर जीवन जाता कितु राज्य सरकार तत्पर कार्यक्रम स्थानीय लोकंर सहयोग और पूरा मेसीनार कोअर्डिनेटेड एफर्ट जो मात्र 275 जीवन जाइए ये निश्चित भाव में अगर जीवन मानक बचे सहायक होती राज्य सरकार डिजास्टर प्रिपेयरनेस जो विपर्जय मुकाबला पोस्ट डिजास्टर पर जो राज्य सरकार का सब प्रस्तुति थाए सब जगह जिला स्तर आरंभ कर ब्लॉक पंचायत ए सब जगह प्रस्तुति ठीक ढंग से थवे बड़ विपर्जय मुकाबला समस्त तत्क्षणात हस्पिटाल स्पट्रे पहुँची पारे जो अनेक जीवन बचा जा पार्ला राज्य सरकार मुख्य शासन सचिव कहते जे आगु को जो 6-5 डेड बॉडी एवं भी अच्छी अनआइडेंटिफाइड होमें अपेक्षा कर टोल फ्री नंबर देचु गणमाध्यम को धन्यवाद दौले जो तीनोटी वेबसाइट और 2 टोल फ्री नंबर में फटो गुड़िक सब जारी करोक टोल फ्री नंबर देखिकी फोन करूँ गणमाध्यम आउ टे प्रचार करूँ जहाँफल से आत्मीय स्वजन मैंने फटो देखिकी से चिन्हे और से डेड बॉडी नाप आसवे तेणु राज्य सरकार एवं भी वार फुटिंग बेसीस काम करपर्यंत सबकि सरी ना जो मैंने चिकित्सित होती सुस्थ अच्छा जड़े दु जन को छाड़ला सरकार पूरा मॉनिटरिंग स्थिति पर नजर रखिंट जितेबाला जो आवश्यक पड़े पदक्षेप नाप से पदक्षेप ना तैयार अच्छा निश्चित भाव में जितेबले जो पदक्षेप नेबार आवश्यकता रही है एवं सब प्रकार व्यवस्था करा जजाति जो माने आसुच्चा आत्मसर्जन जो माने आहत हो चिकित्सित होती मृताहत खबर जानापर मत व्यस्त बिव्रत हो आसुच्चा मृतदेह को देखापी चिन्हट प्रक्रिय सामिल हो चिन्हट कर पुणी घर को मृतदेह को नहीं जी तेणु से प्रक्रिय जो आसूसी आसिकार पहुँचा पर व्यवस्था करसिकी पहुँचुचार हूँ बड़ कथा तेणु केमी जिबे ताहा उच्च राज्य सरकार का दायित्व एवं सब दायित्व मध्ये नहीं छंती राज्य सरकार निश्चित भाव देखो 5 जन अधिकारी को जो 5 हस्पिटाल डेड बॉडी अच्छी से 5 हस्पिटाल जड़े जड़े नोडल ऑफिसर को रखा जाए टोल फ्री नंबर में चिन्हट कलापर तुरंत भुवनेश्वर आसिले से सूचना दिजिव कहार डेड बॉडी कौ जगह अच्छी से पहुँचला निज घर को जीवाई जहाँ जहाँ व्यवस्था दरकार जिते दूर हो पछे गाड़ी घोड़ा सबकि राज्य सरकार व्यवस्था करेंगे जो मैंने आहत अच्छा एवं भी चिकित्सित होती सेमकर सूचना उपलब्ध कर वेबसाइट्रे जदि जावाई चाहिए
ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ବସ୍ ସେବା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ସେବା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଯାହା ଦରକାର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଦେୟମୁକ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯୋଉଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ, ଆହତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରିବ, ଡେଡ୍ ବଡି ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ, ଏକଥା କାଲିଠାରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାତାୟାତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଏବଂ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଫସି ରହିଥିଲେ ଏ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଯଜାତି ମହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଅଧିକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।